तथागत गौतम के चरणों में नमन करते हुए राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले को नमन करते हुए डॉक्टर अंबेडकर को सत सत नमन और उनके बाद उनका अधूरा काम जिसको दोबारा से इस भारतवर्ष में जागृत करने वाले माननीय महामहिम काशीराम जी। प्यारे साथियों, माताओं बहनों और बच्चों, जो भाई सुधीर जी ने बताया, साथियों जिन परिस्थितियों में मैं निकल गया, क्योंकि एक बढ़िया 5-star होटल में नौकरी करता था, लास्ट टाइम जब 2002 में वाजपेयी सरकार थी तो जबरदस्ती CRS देकर के हम लोगों की नौकरियां छीन ली। और नौकरी छीनने का मतलब है, उस वक्त मेरी एज थी 40 साल, और 40 साल की एज में क्या है कि मेरी फैमिली को सही मायने में सख्त जरूरत थी पैसे की, बिना अर्थ के साथ कुछ होता नहीं। फॉर एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं, कितना भी बड़ा जो ना 440 का वोट भी लगा होगा ना, उसके अंदर करंट तरंगे तभी पैदा होंगी जब अर्थ उसके अंदर जुड़ेगा। बिना अर्थ के साथ घर से बाहर नहीं निकल सकते। अर्थ के दम पर ही अमेरिका जैसे आदमी ने सोवियत संघ को 15 भाग में डिवाइड कर दिया। तो ये अर्थ भी अहम चीज है साथियों। तो मैं बार बार जो ना धन्यवाद देना चाहता हूँ अपनी वाइफ का, बिमला देवी का। वो कहते हैं अगर बाप ने वास्तव में हमने बाबा साहब को ना समझा होता, बाबा साहब को ना अपनाया होता, तो जिन परिस्थितियों में हमारी नौकरियां छूटी, कर्जवान हो गया, 5% और 10% का ब्याज मैंने साथियों जो ने भुगतान किया। अपनी वाइफ को एक ही चीज मैंने बोला कि समय निकल गया तो वापस नहीं आएगा, पैसा आ जाएगा। ये समय निकल गया तो खोजते रह जाएंगे, पैसा तो आ जाएगा बार बार, लेकिन समय नहीं आएगा। तो मेरी वाइफ मुझे बार बार ये कहती थी, आपने बाबा साहब को अपना लिया, इसी वजह से शायद हम अपने बच्चों को जो ना एजुकेट कर पाए। साथियों मेरे 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, चारों बच्चे मेरे पोस्ट ग्रेजुएट हैं। ये मेरा छोटा बेटा अमित कुमार बगारिया बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर है, अभी जो ना फिलहाल चाइना में पोस्टिंग है। इसका शादी मैंने नागपुर में किया है, ये बेटी महार जाति से बिलोंग करती है। ये चीज मैं क्यों बताना चाहता हूँ साथियों, जय भीम करने से बात नहीं चलेगी, जय भीम को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। तो हमने ये दोनों जय भीम के नारे से ये मामला बुलंद करके रख दिया। अपनी बेटी की शादी भी मैंने इसी तरीके से अपने दूसरे भाइयों की है। मतलब इस जात को जब तक नहीं आप छोड़ोगे, छूटेगी नहीं आपसे साथियों। हिम्मत चाहिए, सभी कहते हैं आपको भाईचारा बढ़ना चाहिए, भाईचारा बढ़ेगा कैसे, वो रोटी बेटी का व्यवहार होगा कैसे। क्योंकि मैंने सभी साथियों को बोल दिया, लेकिन हमने प्रण कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, बच्चों की एज हो जाए, मैं उसकी परवाह नहीं करता, क्योंकि मैं कभी किसी की परवाह करने वाला आदमी नहीं हूं। जो मुझे ठीक लगा वो मैं करके रहूं अपनी लाइफ के अंदर। और मैं समझता हूं ये सबक भी मुझे बाबा साहब अंबेडकर से मिला। बाबा साहब अंबेडकर ने जो प्रण अपनी लाइफ के अंदर कर लिया कि जो मुझे अपनी लाइफ के अंदर करना है, जो मैंने ठान लिया वो मैं करके जाऊंगा, चाहे मेरे कोई साथ आए या ना आए। यही सबसे बड़ा वाक्य है कि बाबा साहब अपने उस काम को, उस कारवा को, उस मुकाम तक पहुंचाए। सबसे साथियों तो मैं बताना चाहता हूं कि पैसे की कोई अहमियत नहीं साथियों, बशर्त के आदमी के अंदर वो करने के लिए वो डेडिकेशन होना चाहिए। हमारे बीच में हमारे वीर सिंह साथी जी बैठे हैं, वीर सिंह बहुत जी, जिनके मार्गदर्शन में मैंने बहुत काम किया साथियों। फुल टाइमर रहा हूं मैं अपने घर से, जो ना 3 साल लगातार अपना घर छोड़ा है जो ना साथियों। तो घर छोड़ने का मतलब ये ना, बहुत सारे तो लोग कहना बहुत आसान है कि घर को छोड़ दिया, घर छोड़ के जब निकलते, जब मालूम होता कैसे 2-2 महीना लगातार कंटिन्यू घर से बाहर रहते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि नौकरी हमारी चली गई, हमने उसकी परवाह नहीं की। सबसे बड़ा साथ था मेरी वाइफ का, मेरे बच्चों का। बच्चों ने देखा कि डेडिकेशन के साथ जो है, तत्परता के साथ जो है, इस मूवमेंट में, इस मिशन में लग रहे हैं। मैं अगर मेरे बच्चों की समझ में ये बात नहीं आती, बच्चे भी अगर जय भीम के रस्ते पर नहीं चल पाते, तो शायद मैं सक्सेस नहीं हो पाता। इसलिए मेरी सभी से अपील है, सभी से गुजारिश है कि जब भी कहीं भी प्रोग्राम लगे, आप विद फैमिली अपने बच्चों को लेकर के आइए, ताकि उनको पता लगे कि हमारे पेरेंट्स क्या कर रहे हैं। मैं अकेला चला जाता हूँ, पता ही बच्चों को क्या करता हूँ मैं, कहाँ बैठता हूँ, कहाँ उठता हूँ जो ना। और बाद में ये सच्चाई बता रहा हूँ मैं साथियों आपको, अन्यथा मत लेना मेरी बात को। जो लोग अपने बच्चों को, अपनी बीवी को अपनी बात नहीं बताते, मिशन के बारे में नहीं बताते, एक दिन उनके बच्चे भी उनका साथ छोड़ देते साथियों। मैंने ऐसे बहुत सारे साथियों को देखा है दोनों। इसलिए अगर इस मूवमेंट को यहाँ पर कामयाब करना चाहते हो, इस देश को बुद्धमय बनाना चाहते हो, अम्बेडकरमय बनाना चाहते हो, तो प्रोग्राम के अंदर विद परिवार आना बहुत जरूरी है साथियों। तो मेरा तह दिल से इस मैनेजमेंट कमेटी का, जिसने मुझे यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया,
तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ और सभी साथियों से पुरजोर अपील करता हूँ, साथियों इस देश के अंदर अपना हक और अधिकार लेना है, अपने बच्चों की विरासत इनको वापस लौटानी है, तो साथियों खुले तहे दिल से जय भीम का नारा लगा के काम करना पड़ेगा। साथियों जय भीम जय भारत।